ही में कई मीडिया संगठनों ने ये खबर दी कि नोबेल पुरस्कार समिति के डिप्टी लीडर एस्ले टोहे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार और दुनिया में शांति का सबसे विश्वसनीय चेहरा बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स ने ट्वीट करते हुए यही दावा किया था। टाइम्स नाउ ने शो में एस्ले टोहे का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया। वहीं ये खबर चलाने वालों में मिंट, वन इंडिया हिंदी, मिडडे, सीएनबीसी, टीवी 18, डेली हंट, जी पंजाब, एबीपी माजा टीवी, लोकसत्ता लाइव, एशियानेट सुवर्णा न्यूज, न्यूज 7 तमिल, ओटीवी और एनडीटीवी तेलुगु शामिल है। ऐसे में राइट विंग प्रोपेगेंडा आउटलेट ऑफ इंडिया और आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य पीएम मोदी की सराहना करने में कैसे पीछे रहता। उन्होंने भी इस दावे को ज्यों का त्यों रिपोर्ट किया। वहीं कई भाजपा नेताओं ने भी ये दावा ट्वीट किया। तो क्या वाकई में एस्ले टोहे ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा दावेदार बताया? 16 मार्च को पत्रकार राणा आयोग ने एस्ले टोहे के इंटरव्यू का ये वीडियो क्लिप ट्वीट किया, जिसमें वो खुद के हवाले से एक फर्जी न्यूज मीडिया में शेयर किए जाने की बात करते हैं। हालांकि इस वीडियो में साफ नहीं है कि एस्ले टोहे अपने हवाले से शेयर हो रहे किस बयान को फर्जी बता रहे हैं। आगे छानबीन जारी रखते हुए हमें एक न्यूज चैनल का सोर्स मिला जिसके पास ANI फीड का एक्सेस था। उन्होंने हमें ये स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें एस्ले टोहे के इंटरव्यू की क्लिप शेयर की गई थी। इसके साथ लिखे टेक्स्ट के मुताबिक एस्ले टोहे पीएम नरेंद्र मोदी के नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार होने के दावों पर बयान दे रहे थे। 14 मार्च को एबीपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने एस्ले टोहे के साथ इंटरव्यू के 4 स्क्रीन ग्रैब्स ट्वीट किए। अभिषेक ने ट्वीट में पूछा कि क्या नोबेल पीस प्राइज के मजबूत दावेदार हो चुके हैं मोदी, जिस पर रिप्लाई के तौर पर एस्ले टोहे के हवाले से लिखा गया है कि मोदी जैसे ताकतवर लीडर में शांति स्थापित करने की जबरदस्त क्षमता, पीएम मोदी युद्ध रोकने और शांति के लिए बेहद विश्वसनीय नेता। व्यूअर्स गौर करें कि ऑल्ट न्यूज को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पीएम मोदी के संभावित दावेदार होने का सबसे पहला जिक्र यही मिला, यानी शायद ये हो सकता है कि इसी ट्वीट को बाकी न्यूज आउटलेट्स ने एस्ले टोहे के बयान के रूप में गलत समझकर चलाया हो। ऑल्ट न्यूज ने एबीपी के साथ एस्ले टोहे का पूरा इंटरव्यू भी देखा, लेकिन हमें कहीं पर एस्ले ये कहते हुए नजर नहीं आए कि नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 मार्च को आयोजित ADM एंड पीस गोल्ड मेस की YouTube लाइव स्ट्रीम में एस्ले टोहे शामिल हुए थे। बहरहाल उन्होंने वहां भी नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित दावेदार के रूप में पीएम मोदी का कोई जिक्र नहीं किया। ऑल्ट न्यूज ने नोबेल कमेटी की वेबसाइट चेक की और पाया कि आने वाले 50 सालों तक नामांकित व्यक्ति और उनके नामांकन को लेकर कोई जानकारी जारी नहीं की जा सकती। 50 ईयर सीक्रेसी रूल नाम के एक सेक्शन में कहा गया है कि नॉमिनी के नाम की घोषणा कमेटी न ही मीडिया के लिए और न ही खुद कैंडिडेट के लिए करती है। 2022 में नोबेल प्राइज ने एस्ले टोहे का ये वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें वो नामांकन और चयन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले जीतने वालों को सिर्फ 1 घंटे पहले बताया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, नोबेल पुरस्कार समिति के डिप्टी लीडर एस्ले टोहे ने ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार है, लेकिन मीडिया आउटलेट्स ने उनको गलत तरीके से कोट किया और खबर चलाई।